कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। यहाँ पे मेरे ट्यूशन के बच्चे गेम्स खेल रहे हैं जो मैं खिलाती हूँ उनको 2-3 महीने में एक बार, बिकॉज़ थोड़ा अलग सा रहता है, वरना पढ़ाई पढ़ाई करके मन बोर हो जाता है फ्रेंड्स। और ये मेरे कुछ पौधे हैं, ये करी पत्ता है, ये मनी वेल है, और ये बहुत गंदे हो चुके हैं, उसको मतलब वॉश करके फिर अच्छे से उसको करना है। और ये मेरा बाहर का गैलरी में से जो दिखता है ना वो एरिया है, वहाँ पे बहुत सारे पेड़ पौधे हैं, और यहाँ पे नीचे सब्जी वाले भी रहते हैं, और ये पानीपुरी वाला का भी ठेला है फ्रेंड्स यहाँ पे, और ये सारे पेड़ रहते हैं, और यहाँ पे गार्डन भी है फ्रेंड्स, और ये रही सारी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, और व्यू बहुत अच्छा आ जाता है। सुबह सुबह का टाइम था फ्रेंड्स, और फिर मैंने अपने लिए चाय बना दी है, मस्त सी बढ़िया सी। सबसे पहले मैं चाय नहीं पीती हूँ, सबसे पहले मैं जीरा वाटर पीती हूँ, पानी पीती हूँ, लेकिन चाय मैंने पहले रख दी है, गरम पानी पीती हूँ मैं। आप देख सकते हो ये जीरा वाटर पानी है, वो मैं पीती हूँ मॉर्निंग में। मैं कम से कम 5 साल से ये फॉलो कर रही हूँ, पानी गरम पानी चाहिए, या नॉर्मल भी हो जाओ चलेगा, और जीरा वाटर भी चलेगा। और यहाँ पे देखो कितने सारे आम आए हैं, क्योंकि हमारे घर में आम की सीज़न स्टार्ट हो चुकी है। आम नहीं खाया तो कुछ नहीं खाया, मुझे वैसे पसंद नहीं है, मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, एक दिन भी वो बिना आम खाए नहीं रह सकेंगी। और ये रहा मेरा रूम, मेरा बेडरूम है ये फ्रेंड्स, और बेडरूम की गैलरी में भी यही दिखता है, बालकनी में भी पूरा रोड और वगैरह सब कुछ दिखता है। और यहाँ पे बस मेरी चाय हो चुकी है, और चाय पियेंगे, नाश्ता करेंगे, और पीनट के साथ हम मस्ती करेंगे। और यहाँ पे अपना वार्डरोब चेक करते हुए कि क्या क्या है, क्या क्या पहनूँ आज मैं। अब पीनट मेरे साथ ही बैठ गया था, उसको क्या है ब्रेकफास्ट में करती हूँ ना, तो मैं खाखरा खाती हूँ फ्रेंड्स, तो उसको खाखरा इतना पसंद है ना, उसको बहुत पसंद है खाखरा। पता है आपको, डॉगी को खाखरा पसंद है, आई कांट बिलीव दिस, उसे बहुत पसंद है। उसको अपना बिस्किट टॉय कुछ नहीं पसंद है, पर ये वाले खाखरे जो होते हैं ना उसको बहुत पसंद है। अगर हम बोलेंगे ना पीनट चलो खाखरा दूंगी, तो कहीं से भी हो वो तुरंत आ जाएगी, उसको इतना पसंद है। अभी मैंने घर क्लीन कर दिया है, सब कुछ क्लीन हो चुका है, अभी मेरी बेटी को देख रही हूँ क्या कर रही है, वो अपनी पढ़ाई कर रही है, और यहाँ पे ये जनाब बैठी हुई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही चलता है, बेटी चलाती है तो यहाँ बैठी रहती है उसके पास। और मैंने देखा कि तुम क्या कर रही हो बेटा, जरा दिखाओ तो सही, तो अपना लर्न कर रही है जो टीचर ने करवाया है ना। वो वैसे स्कूल की छुट्टी है, लेकिन फिर भी मैं 1-1.5 घंटा बिठाती हूँ पढ़ने के लिए। और मैं यहाँ पर रेडी हो चुकी थी, क्योंकि मुझे कुछ आउटफिट लेने जाना था अपनी बेटी के लिए, उसको जाना है बर्थडे पार्टी में, तो बस मैं दिखा रही हूँ कि मैंने क्या क्या पहना है। सिंपल सी जीन्स पहनी है, ऊपर ये टॉप पहना है, एक्चुअली ये मेरी बेटी का टॉप है, बड़ी वाली है ना उसका टॉप है, मेरा नहीं है, तो थोड़ा लूज़ सा है और अच्छा रहता है समर में। और ये मेरी बेटी का आउटफिट है, सिंपल जीन्स और ये टी शर्ट, बस इसको तो यही है कि चलो सब रेडी हो गए तो हम घूमी घूमी जाएंगे, बाहर जाएंगे, उसको पता चल जाता है। अगर आपने कुछ न्यू कपड़े पहने हैं तो उसको पता चल जाएगा कि हम बाहर जा रहे हैं। देखो मस्ती करती हुई ये लड़की, बस अपना पर्स उठाया मैंने और फिर चल पड़े, कुछ मॉल में जाएंगे या कुछ पता नहीं कहाँ जाते हैं हम, क्योंकि उसके आउटफिट चूज़ करना यानी बहुत बड़ी मुसीबत है फ्रेंड्स। और उसको तो चैन ही नहीं है पीनट को, देख सकते हैं आप, बस मेरे पास आके नाटक करने लगती है कि मेरे को भी लेके जाओ, मेरे को भी लेके जाओ बाहर, आप देखो कैसे मेरे को किसी कर रही है ये लड़की, और देखो कैसे मस्ती कर रही है और स्पीक कर रही है, हमें बता रही है कि मुझे भी आना है, प्लीज़ लेके जाओ, प्लीज़ लेके जाओ, ये सभी नाटक है उसका बाहर आने का। लेकिन हम नहीं जाएंगे, क्योंकि हम लेके नहीं जा सकते उसको, क्योंकि मेरे को शॉपिंग करनी है, तो वहाँ हम उसको कहाँ छोड़ेंगे, इसलिए वो हमारे साथ नहीं आएंगी, वो घर पर ही रहेंगी। देखो स्पीक कर रही है कब से।
वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं खाते हुए हम चल पड़े मॉल में, क्योंकि सब चीज़ें मिल जाती है आपको, जो चाहिए वो चीज़ें मॉल में मिल जाती है। हमारे अहमदाबाद में मॉल है ओशिया करके, वहाँ सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। ये रहा हमारा मॉल, वहाँ पे बाहर खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाएंगी आपको, क्लॉथ्स भी मिल जाएंगे, फ्रूट्स मिल जाएंगे, वेजिटेबल्स मिल जाएंगे, स्नैक्स मिल जाएंगे, पता नहीं कौन कौन सी चीज़ें मिल जाएंगी, सब मिल जाएगा आपको, बोतल, स्टेशनरी और घर वखरी का भी सामान आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स देखो कितना सारा है, ये सब कुछ मिल जाएगा एक ही मॉल में, आपको सब कुछ मिल जाएगा, जूते भी मिल जाएंगे, बैंगल्स, ईयररिंग्स, नेल पेंट, ओ माय गॉड, और ये सब 20-20 रुपीज़ की थी, और ये सारे बटरफ्लाइज, और यहाँ पे जो कलेक्शन होता है ना बहुत बढ़िया होता है, स्पेशली पर्सिस में, और यहाँ पे कुछ नेकलेसेस हैं। पर यहाँ पे आपको हैंडबैग, सीलिंग बैग बहुत अच्छी रेंज में मिल जाएंगे, और ये तो प्यारे से क्यूट क्यूट से बहुत ही अच्छे अच्छे थे, क्या मैं ही बताऊँ, ये कलर तो बहुत ही अच्छा था, और एक लाइटिंग वाला भी था, देखो ये बहुत प्यारा था, और इनकी प्राइस थी 150, ओनली 150। आपकी बेटी है तो आप उसके लिए तो बेस्ट है, कितना प्यारा लग रहा है, कलर भी सारे वाइब्रेंट थे, बहुत ही अच्छा था, और यहाँ और पर्स भी अच्छी रेंज में मिल जाएंगे आपको, और ये वाला बहुत अच्छा मुझे लगा था, क्यूट लगा था, ये सिर्फ 199 ओनली 200 रुपीज़ का ही था, बहुत ही प्यारा क्यूट चीज़ें थी यहाँ पे, बहुत ही प्यारा लग रहा था, और ये भी मिक्की माउस वाला था, और ये तो क्यूट टेडी बियर वाला था, गाइस कितना अच्छा था ये, और ये भी बहुत ही प्यारा था गाइस, और इसकी प्राइस थी 250, 200 से स्टार्ट होती है, 150 के लेकर 200 से स्टार्ट होती है, सारे पर्सेस की कीमत 700-800 तक जाती है, पर अच्छी रेंज में अच्छा आपको मिल जाएगा, और ये भी थी ओनली 119 रुपीज़ की थी, जो जूट की बनी होती है ना वो वाली थी, और ये रेड वाली शायद से 99 रुपीज़ की थी ओनली। यहाँ पे अफोर्डेबल रेंज में आपको सब कुछ मिल जाएगा, और शूज़ कलेक्शन तो बहुत ही प्यारे और ऑसम थे फ्रेंड्स, ओह वाओ, कितने कितने वाइब्रेंट कलर और कितने प्यारे प्यारे जूतीस थे, और यहाँ पे भी हिल्स वाले, ये ब्राउन वाले मुझे बहुत अच्छे लगे थे, बहुत प्यारे लगे थे, और ये ग्रीन वाले भी बहुत प्यारे थे, और ये वाले तो बहुत ही ऑसम थे फ्रेंड्स। और यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के क्यूट क्यूट से कितने प्यारे शूज थे फ्रेंड्स, मुझे तो लगा कि सारे मैं ख़रीद लूँ, पर मेरे यहाँ कोई छोटा बच्चा नहीं है, और यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छा कलेक्शन मिल रहा था कांच में, आपको सब मिल जाएगा यहाँ पे, ये बहुत बड़ा शॉप है, और यहाँ पे नहीं वो तुर्की में वो बनाते हैं ना ऐसे कॉफ़ी मग जो बनाते हैं ऐसे रेत में डाल के, आई डोंट नो, पता नहीं ये क्या है उसको क्या बोलते हैं, बट आई थिंक ये वही है, और यहाँ पे भी बहुत प्यारा प्यारा कलेक्शन था। ओ माय गॉड, ये पेंटिंग तो आप पूछो ही मत, वाओ, श्रीनाथ जी भगवान पीकॉक की पेंटिंग बहुत ही ऑसम थी गाइस, सच बता रही हूँ, और ये तो मैं माय फेवरेट थी, ये तो ये वाली तो बहुत प्यारी थी, बहुत ही अच्छी थी, प्रीमियम लग रही थी मेरे को तो, अफोर्डेबल रेंज में थी, आई थिंक 500 में तो ये पेंटिंग मिल जाएंगी आपको, ये छोटी वाली 300 रुपीज़ की थी। ओ माय गॉड, ये सारे फ्लावर कलेक्शन तो देखिए आप, बहुत ही अच्छे अच्छे लग रहे थे मेरे को तो, वाओ, ये नकली फूल है, आप डेकोरेशन के लिए ले सकते हो घर पर, और अफोर्डेबल रेंज में थी,
और यहाँ से मॉल से तुरंत निकल के यहाँ पे ये सारी चाट, पाव भाजी, मंचिंग की सारे आइटम्स थी फ्रेंड्स। आप मॉल में शॉपिंग करिए और बाहर आके आप नाश्ता करिए। पर हमने वहाँ से कुछ नहीं खाया था, मेरी बेटी को फ्रेंकी खानी थी जो यहाँ की बेस्ट मिलती है मॉल के पास, और एक दूसरी शॉप है वहाँ पे फ्रेंकी मिलती है, देखिए आप ये उसको बहुत टेस्टी लगती है। तो हमने फ्रेंकी ली थी और दूसरी बेटी ने सबवे से कुछ ऑर्डर किया था। ये रहा, उसको फ्रेंकी नहीं खानी थी, उसने मना कर दिया था कि नहीं खानी है मम्मा। तो मैंने बस हमने सब पैक करवा के घर पे लेके गए थे क्योंकि वहाँ पे बहुत टाइम लग गया था शॉपिंग में। और देखिए हम घर पे आ चुके हैं और हमारी बेटी क्या कर रही है, हमारा इंतज़ार कर रही थी। वो यहाँ पे हमारा वेट करती है कि ये लोग कब आएंगे और हम कब उससे मिलेंगे। ये कुछ घर पर परेशान नहीं करती मेरे को, बैठी रहती है यहाँ पे हमारा इंतज़ार करती है। और फिर आके मैंने हैंड वॉश कर दिया था और बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी फ्रेंड्स। फिर देखो ये मैं पूरा घर कितना अच्छा नीट एंड क्लीन करके गई थी, और देख सकते आप ये बार बार ये बस वहाँ से मैंने देखा फ्रेंड्स, मैंने चप्पल ख़रीदी थी, बहुत ही कंफर्टेबल लगी थी मैंने, तो मैंने चप्पल ख़रीदी थी। और बस अपने बेटे से कहा कि एक ग्लास मेरे को पानी पिला दो यार, बहुत थक गई थी, चल चल के थक जाती हूँ मैं। बस यहाँ पे पानी पिया मैंने, और यहाँ पे इतनी प्यास लगी थी ना मेरे, तो मेरे हस्बैंड लेके आए थे स्प्राइट, जो नहीं आती शुगर फ्री लो कैलोरी वाली, हाँ बस मैंने आइस डाल के वो मैंने पी ली। ये मेरा डिनर हो गया, और यहाँ पे सबवे से लाई थी मैंने जो, वो मेरी बेटी खा रही थी। मुझे टेस्ट किया पर मेरे को ऐसा कोई पसंद नहीं है। और ये मेरा फेवरेट है ढोकला, ये मैंने मिक्स ढोकले वहाँ से मैंने पैक करवाए थे, और बस अपना कुछ वीडियो मैंने शूट किया था स्नैपचैट पे, तो बस यही वीडियो मैं कर रही थी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय फ्रेंड्स।